क्या आप लोग के यहाँ पर भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो चल रहा है क्या? हाँ सर, इसलिए आज की ऑडियंस बहुत कम है। तो खैर कोई बात नहीं, हम कोशिश टाइम ले रहा है थोड़ा कनेक्ट होने में। मानस, तुम्हारे यहाँ पर क्या सीन है? नहीं, सब ठीक ठाक है? प्रॉब्लम नहीं सर। ओके ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। होगा तो फिर वीडियो शेयर कर देंगे, बाकी लोग देख लेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर सिचुएशन है आपका सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जहां पर आपको विरासत में प्रॉपर्टी मिली हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। मिस्टर सुरेंदर फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31/3/2019। ठीक है, ही हैड अ रेसिडेंशियल हाउस, उसके पास एक घर था जो कि उसको इनहेरिटेड हुआ था उसके पापा से 2006 में। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच ऑन 1/4/2001 इज ₹15 लाख। ठीक है, तो 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 15 लाख रुपए। ठीक है, पापा की डेथ कब हुई? 2006 में। तो इस दिन उसको क्या हुआ? वो इनहेरिट हुआ, इनहेरिटेड, पापा से विरासत में मिल गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा? इसके लिए कॉस्ट हो जाएगा कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ठीक है, देन उसके बाद इन द ईयर 2008-09, इन द ईयर 2008-09 फर्दर कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट ₹10 लाख। ठीक है, 2008-09 में उन्होंने क्या किया? इम्प्रूवमेंट करवाया। इम्प्रूवमेंट करवाया कितने रुपए का करवाया? 10 लाख रुपए का। ठीक है, फिर ऑन 10/5/2018, मतलब 10/5/2018, उन्होंने क्या किया? हाउस वॉज सोल्ड फॉर 75 लाख, इन्होंने सेल कर दिया। कितने में बेच दिया? 75 लाख में बेच दिया। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर इज 50,000, जिसमें उनका ट्रांसफर का खर्चा आया, ट्रांसफर एक्सपेंस आया उनका ₹50,000। ठीक है, 20/12/2018 को, 20/12/2018 को उन्होंने क्या किया? परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस फॉर 20 लाख, उन्होंने न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया। इसको मैं से लिखूं मैं तो अच्छा रहेगा, न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक खरीद लिया। कितने में? 20 लाख रुपए में। ये उसका पूरा टाइमलाइन है। अब आपको क्या करना है? आपको करना है कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द अबव डेटा। ठीक है, इस पूरे ट्रांजेक्शन में क्या कैपिटल गेन हुआ आपको वो पता लगाना है, एंड व्हाट विल बी द टैक्सेबल कैपिटल गेन इफ कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस इज ओनली 12 लाख। आपको सीन टू बोलता है कि अगर 20 लाख नहीं होके, अगर ये वाला वैल्यू अगर 12 लाख होता तो आपका क्या सीन होता, वो जरा बताइए। फिर ये कहता है वॉट विल बी द टैक्स इफेक्ट इफ मिस्टर सुरेंदर सोल्ड द न्यू हाउस एक्वायर्ड एज अबव विद इन विद इन 1 ईयर। अगर वो 1 साल में उस घर को बेच देता है जो नया घर है, तो सीन क्या होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 30 लाख, उसने जो 20 लाख में घर खरीदा था, ठीक है, जो 20 लाख में घर खरीदा है, इसको अगर वो 1 साल के बाद अगर बेच देता 30 लाख में, तो आपका क्या सीन होगा? एंड लास्ट में फिर बोलता है गिव योर आंसर इन बोथ केसेस इफ कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस इज 20 लाख एंड 12 लाख। मतलब एक फुल फेस सम आपको दे दिया है, अच्छा खासा। ठीक है, एंड थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा सॉल्व करने में। एंड यहां पर देखिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं दिया, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? CII 100, क्योंकि 2001-02 में 100 था। देन दिसंबर 2006 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 6-7, बताइए फाइनेंशियल ईयर 6-7 में कितना था CII, चेक कीजिए और बताइए। फाइनेंशियल ईयर में आपका नोटबुक पीछे पेजेस पलटी, हमने लिखा था क्लास में और आप लोग देखकर बताइए 6-7 में कितना था। कितना था बताओ रे भाई,
6-7 का तो कुछ काम नहीं है। 122 2008-9 में क्या है बताइए कितना है? 137 2008-9 में इस क्रॉस वेरीफाई 137 था ठीक है एक बार ना फिर भी देख ही लेते हैं 2000 कितना की 2000 हमारा 8-9 ना 137 ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा 137 एंड 18-19 का 18-19 18-19 का था हमारा 280 ये हो जाएगा हमारा 280 ठीक है देन 148 कौन से साल का था 148 है 9-10 का ठीक है 9-10 में कुछ हुआ है क्या इसका हाँ 9-10 रुके 9-10 में तो कुछ नहीं हुआ चलिए ठीक है फिर तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को हालांकि इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है CII जो कि गिवन होना चाहिए था बट फिर भी अगर नहीं होता है तो आपको स्टार्टिंग वाला एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा जो कि आपका 2001-02 में 100 और लास्ट ईयर जो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा वो आपको याद रखना पड़ेगा लास्ट का 2-3 साल का आपको याद रखना पड़ेगा कभी कभी एग्जाम में नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो चलिए इसको फिर सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन कौन है ये सॉल्यूशन एसएससी कौन है एसएससी है हमारे यहाँ पर मिस्टर सुरेंदर आप लोगों ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया पहले बताइए तो यस सर ले लिए ना ठीक है एसएससी है मिस्टर सुरेंदर प्रीवियस सीरीज 18-19 असेसमेंट ईयर इज 19-20 हम कर रहे हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ठीक है पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स में क्या है सबसे पहले सेल कंसिडरेशन आपने कितने बेचा घर आपने बेचा 75 लाख में बेचा लेकिन इसको बेचने में आपका ट्रांसफर का खर्चा भी हुआ तो लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना खर्चा हुआ 50,000 रुपए तो नेट आपका कितना आ गया नेट सेल कंसिडरेशन हाउ मच 74,50,000 ठीक है इससे लेस करेंगे क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना का था फेयर वैल्यू 15 लाख रुपए कब था वो 2001-02 में था तब का इंडेक्स 100 था आज जब बेच रहे हो आप लोग तो इंडेक्स कितना है हमारा इस क्वेश्चन में 280 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 15 लाख रुपए 15 लाख इंटू 280 डिवाइडेड बाय 100 ये हो जाएगा 42 लाख ठीक है फिर लेस करेंगे क्या इंडेक्स
कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कितना खर्चा किया था हमने, 10 लाख खर्चा किया था, ठीक है। आज कौन सा साल है, 1819, इंडेक्स है 280, जिस साल हमने खर्चा किया उसका इंडेक्स कितना था, ये देखिए क्वेश्चन में, इम्प्रूवमेंट जिस साल किया हमने कितना है, 137, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय 137, सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 10 लाख इंटू 280 डिवाइडेड बाय 137, आपको मिलेगा 2043796796। इसको भी माइनस कर देंगे, हमको मिल जाएगा हमारा कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 74,50,000 माइनस 42 लाख माइनस 20 लाख 43,796, हमको मिलेगा 1206204, 12,06,000। दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर, नहीं पूरा बंद नहीं होगा, दिस इज आवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दिस इज आवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम माइनस करेंगे एग्जम्पशन सेक्शन 54 का, माइनस करेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, ठीक है। क्या किया हमने, हमने नया घर खरीदा, नया घर कितने में खरीदा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में, हमने नया घर खरीदा 20 लाख रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करोगे, अमाउंट इनकर्ड कितना, 20 लाख रुपए, और कैपिटल गेन 12,06,204, इन दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना है, 12,06,204, तो टैक्स कितना हो जाएगा, टैक्सेबल कैपिटल, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हाउ मच, कुछ नहीं, समझ में आया, यहां तक समझ में आया आप लोग को, फटाफट बताइए। यस सर। हाँ, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो कि अगर ये घर 12 लाख का होता है, ऐसा लिखा ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये घर अगर 12 लाख में खरीदता तो क्या सीन होता, ठीक है देख लेते हैं। सेम ये हमारा जो है ये सब कुछ सेम सेम रहेगा यहाँ तक तो, लेकिन ये जो पार्ट है हमारा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट एक्चुअली इनकर्ड कितना, ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली इनकर्ड ये कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपए, और कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 12,06,204। तो इन दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कौन है इसमें से, 12 लाख रुपए, तो हमारा सीन क्या हो जाता, हमारा सीन कुछ इस तरीके से होता है, एक सेकेंड रुकिए, हमारा सीन होता कुछ इस तरीके से, यहां तक पूरा सेम आता 12,06,204, इससे माइनस करते हम कितना, 12 लाख रुपए, इससे माइनस करते 12 लाख नए घर का कीमत, तो बैलेंस जो पार्ट बच गया 6204, ये क्या होता मालूम, ये आपका होता टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है एट द रेट ऑफ 20%। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, फटाफट बताइए। कोई कंफ्यूजन है कि आगे बढ़े, नहीं सर। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं हमको क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कहता है कि मान लो कि अगर ये एक साल के अंदर घर को बेच देता 30 लाख रुपए में, 30 लाख में अगर ये घर को बेच देता तो दोनों सीन में क्या केस होता, ठीक है
if sold within 1 year at rupees 30 lakh. बहुत ही सिंपल है, अगर एक साल के अंदर आप बेच देते हो तो जितना हम आपको पहले एग्जेम्प्ट करवाए थे उतना ही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर देंगे. तो यहां पर देखिए, यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेता हूं मैं, पहला केस में कितना में खरीदा था हमने, 20 लाख रुपए में खरीदा था. दूसरा केस में कितना में खरीदा हमने, 12 लाख में खरीदा. ये दो सिचुएशन है ना, ये दो सिचुएशन है. तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है. यहां पर करेंगे सेल कंसिडरेशन. सेल कंसिडरेशन कितना मिलेगा, आपको मिला 30 लाख रुपए. अगर आपने घर बेचा नया वाला 30 लाख रुपए में, तो दोनों केस में 30 लाख रुपए होगा. इससे माइनस करेंगे क्या, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर. अब नया घर ट्रांसफर के तो उसमें कुछ खर्चा आया नहीं, आया है क्या, अगर क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं. आपने नया घर बेचा, ओके, कुछ नहीं है आपका ट्रांसफर में कोई खर्चा नहीं आया, तो आपको क्या मिल जाएगा अभी यहाँ पर, नेट कंसिडरेशन. नेट कंसिडरेशन अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 लाख रुपए. यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 30 लाख रुपए. इससे लेस करेंगे कौन सा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करें कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करें, इंडेक्स वाला करेंगे कि नॉर्मल करेंगे, बताइए. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये नया वाला घर आप कितने दिन में बेच रहे हो, एक साल में बेच रहे हो, और आपका बिल्डिंग वगैरह अगर आप 24 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो तब जाके लॉन्ग टर्म कहलाता है वो. तो यहाँ पर आपने तो एक साल के अंदर बेच दिया, यानी कि बिल्डिंग भी क्या हो गई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या होता है, इंडेक्स वाला पार्ट नहीं मिलता. याद सर, ये तो 24 मंथ से ज्यादा है ना? आप एक साल के अंदर बेच रहे हो ना नया घर, जो नया घर आपने खरीदा उसको एक साल के अंदर बेच रहे हो ना. तो इसीलिए यहाँ पर ये आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा, इसीलिए इंडेक्स वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा. ध्यान रखना यहाँ पर गलती करते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ था, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ था पहले केस में, पहले केस में कितना हुआ था, 20 लाख रुपए है ना. इसमें से आपको एग्जम्पशन कितना मिला था, एग्जम्पशन कितना मिला था, देखिए पहले केस में 12,06,204, उतना माइनस कर देंगे क्योंकि आपने एक साल के अंदर बेच दिया, तो इससे माइनस कर देंगे 12,06,204. तो जो बैलेंस आया वो बैलेंस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा. तो कितना हो जाएगा करके देखिए, 20 लाख माइनस 1206204, ये आपका हो जाएगा कितना, ये वैल्यू आएगी आपकी 796. तो इस वाले वैल्यू से इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, हमको क्या मिलेगा, कैपिटल गेन. और कैसा कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा करके देखिए, कितना है, 30 लाख ना, 30 लाख माइनस 793,796, 22 लाख रुपए 6,204. और सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले केस में देखिए, सेकंड वाले केस में आपने कितना में घर खरीदा था, 12 लाख रुपए में, आपको एग्जेम्पशन भी कितना का मिला था, 12 लाख रुपए. यानी कि यहाँ पर सेकंड वाले केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा पता है आपको, जीरो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीरो. तो 30 लाख माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा गेन आपका, आपका गेन हो जाएगा पूरा पूरी 30 लाख रुपीज. एंड इसके ऊपर ये शॉर्ट टर्म है ना, तो अभी टैक्स कितना लगेगा, टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है. बताइए मेरे को क्या आपको ये सारा सिचुएशन समझ में आया, हाँ या ना. यस सर.
तो ये क्वेश्चन जो है सेकंड वाला हमारा, इसको इम्पोर्टेंट रखिए और एग्जाम से पहले इस नंबर को सॉल्व कीजिएगा लिख लिख कर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसने बहुत सारी सिचुएशंस को कवर किया है, इसने बहुत सारी सिचुएशंस को कवर किया है, आप लोग इसको प्लीज सॉल्व कीजिएगा एग्जाम से पहले लिख लिख कर खुद से एक बार, ठीक है। तो आज जो हमने दो नंबर किए, क्या उन दोनों में से किसी में कुछ आपको डाउट है, कंसेप्चुअल डाउट या प्रोसीजरल वाला डाउट कि हमने कैसे क्या क्या किया, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये प्रैक्टिस करने से पता चलेगा सर। एग्जैक्टली तो आज जो हमने दो नंबर किए ना, आप लोग उसको बिना देखे खुद से सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आप कहां पर आपकी गलती हो रही है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम।